नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज डाबर। और दोस्तों आज की ये वीडियो काफी खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमें ऑफिशियल रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो आपको बताने वाले हैं। कौन से तीन टीमें हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ अपडेट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे कि क्या क्या अपडेट इस समय चल रही है IPL 2023 के रिगार्डिंग, तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, एंड तक जरूर से देखिएगा। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों 15 नवंबर तक IPL 2023 की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को अपनी जो रिटेन और रिलीज प्राइस की लिस्ट है वो सबमिट करनी है BCCI को। और दोस्तों यहां पर आज 12 नवंबर हो चुकी है और 13, 14 और 15 यानी कि 3 दिन बीच में रह गए हैं। लेकिन दोस्तों तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कि ऑलरेडी सबमिट कर दी है अपनी लिस्ट, ऑफिशियल लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है तीन टीमों की। दोस्तों तीन टीमें कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों सबसे पहली टीम है KKR की टीम। KKR की टीमों ने कुल मिलाकर 6 प्लेयर्स को रिलीज़ किया, जिसमें दोस्तों शिवम मावी, मोहम्मद नबी, चमिका करुण रत्ने, इसके अलावा रमेश कुमार, अजिंक्य रहाणे और एरन फिंच। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी टीम की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का। दोस्तों चेन्नई ने भी बड़े बड़े नामों को रिलीज़ किया है, जिसमें दोस्तों चेन्नई ने DJ ब्रावो को रिलीज़ कर दिया है, अंबाती रायडू को रिलीज़ किया है, मिचेल सैंटनर को, एडम मिलने को, क्रिस जॉर्डन को, नारायण जगदीशन को, तुषार देशपांडे को, रॉबिन उत्तप्पा को और बी वर्मा को। इन्होंने इन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है, जहां पर दोस्तों सबसे बड़े नाम जो हैं वो हैं DJ ब्राओ, अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी टीम है जिन्होंने रिलीज प्लेयर्स सबमिट करी है वो है दोस्तों मैथ्यू वेड, माफ़ कीजिए, गुजरात टाइटन्स की टीम। और गुजरात टाइटन्स की टीम ने रिलीज़ किया है मैथ्यू वेड को, विजय शंकर को, गुरकीरत सिंह मान को, जयंत यादव को, साई किशोर को और वरुण एरोन को। तो ये खिलाड़ी जो हैं वो गुजरात ने रिलीज़ किए हैं। दोस्तों बाकी की लिस्ट जैसे ही हमारे सामने आती है तो हम आपको ज़रूर से वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब्ड हों, क्योंकि वहीं पर हम लेटेस्ट न्यूज़, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सबसे पहले अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद में वीडियो आती है। और दोस्तों यूट्यूब पर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है वीडियोज़ का, तो इसीलिए अगर आप टेलीग्राम पर होंगे तो वहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी वो तीन टीमें जिन्होंने अपनी प्लेयर्स के लिए सबमिट कर दी है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स की बात करें तो दोस्तों पोलार्ड को मुंबई इंडियंस डेफिनेटली रिलीज करने वाली है। इसके अलावा ड्वेन ब्रावो को टीम रिलीज़ कर चुकी है। और दोस्तों खबरें ही आ रही है कि ये दोनों वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जो है वो एक साथ क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, तो KKR की जो टीम है वो दो फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात चल रही है उनकी, जिसमें से एक है आर गुरबाज और उसके अलावा गुजरात टाइटन से, और इसके अलावा दूसरा जो है वो एक मीडियम पेसर होगा, तो ये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों RCB को लेकर अपडेट आई है, RCB को लेकर अपडेट ये है कि यहाँ पर RCB जो है वो हर्षल पटेल को लेकर थोड़ा सा मतलब चिंतित है, यहाँ पर उनको रिटेन करेगी या नहीं करेगी वो बड़ा सवाल है, क्योंकि हर्षल काफ़ी महंगे बिके हैं और उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि RCB इस बार हर्षल को रिलीज़ कर दी है। बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, इसको लेकर आगे हम दूसरी वीडियो भी बना देंगे पूरी, अगर एक बार जो मतलब न्यूज़ है वो कन्फर्म हो जाए। इसके अलावा RCB टीम जो है वो एक फिनिशर ऑलराउंडर के ऑप्शन में देखेगी, जैसे कि सैम करन या क्रिस ग्रीन। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स। अब दोस्तों जैसे ही और टीमों की लिस्ट आती है तो हम आपको ज़रूर से सबमिट करेंगे, लेकिन आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।